द एसएसआई एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह और अवार्ड समारोह में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, द एसोसिएशन के सलाहकार एडवाइजर और जो समय समय पर इंडस्ट्रीज के मुद्दों और समस्याओं को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने संपूर्ण जानकारी के साथ उठाते रहते हैं, श्री गोविंद राम जी मित्तल साहब, एसोसिएशन के अध्यक्ष लेकिन अब पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं, श्री राजकुमार जी जिनका कार्यकाल एक सराहनीय कार्यकाल रहा, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनकी सेक्रेटरी अनिश बिरला जी, और जिन्होंने आज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, अमित सिंगल जी, इनके महामंत्री अक्षय सिंह जी, बोर्ड के सभी पदाधिकारीगण, श्री अशोक महेशी जी, श्री एल गुप्ता जी, नवीन महेशी जी, नितिन जी और सभी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, व्यापारी जगत के सभी सदस्यगण, मैं बधाई देता हूं द एसएसआई एसोसिएशन को जिनको 38 वर्ष हो गए, और 38 वर्षों में इस संस्था ने एक अच्छी परंपराएं परपाटी डाली है, एक वर्ष का कार्यकाल और हर बार नए अध्यक्ष को दायित्व और निर्विरोध चुनाव होना, ये लोकतंत्र में एक अच्छी प्रक्रिया है, परंपराएं हैं, और हर व्यक्ति को अपने एक वर्ष के अंदर अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता से वह एसोसिएशन के सदस्यों को कुछ कुछ मदद करता है, प्रयास करता है नई एसोसिएशन नई इंडस्ट्री लाने में। कोटा एक समय था जब हम कहते थे कोटा को औद्योगिक नगरी, आशीषिंग नगरी के रूप में कोटा को देश में जानते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज हो, टूरिज्म हो, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज हो, इनका भी अलग अलग समय में अलग अलग काल होता है। अब कोई तर्क दे कि ये एजुकेशन सिटी कैसे बनी, क्यों बनी, तो इसका कोई तर्क नहीं होता है कि क्या कारण से बनी। और कोटा में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही, इसका भी कोई तर्क नहीं। मेरी भी समय समय पर देश के जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर वाले लोग मुझे मिलते हैं, कुछ सर्विस सेक्टर के लोग मिलते हैं, कोई पर्यटन के डेवलप करने वाले सेक्टर के लोग मिलते हैं, हर जनप्रतिनिधि की कोशिश होती है कि वो अपने इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज को लाए, सर्विस सेक्टर को लाए, पर्यटन को डेवलप करे। ये हर जनप्रतिनिधि दायित्व निभाता है, जैसा पद होती वैसी क्षमता के अनुसार पूरी प्रयास करता है, लेकिन प्रयास करते करते एक दिन बेहतरीन परिणाम आएंगे ऐसा मैं सोचता हूं। कोटा के कुछ बुनियादी सवाल थे,
कोई बरसों से पुरानी मांग है, कुछ एयर कनेक्टिविटी की है, कुछ रोड कनेक्टिविटी की है, कोई रेल कनेक्टिविटी की है। कनेक्टिविटी के तीन साधन होते हैं। एक सबसे ज्यादा जरूरत कोई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए रोड कनेक्टिविटी की होती है, और मुझे लगता है कि रोड कनेक्टिविटी में कोटा आने वाले समय के अंदर जितने भी देश के प्रमुख हाईवे गुजरते हैं उसमें से कोटा एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। चाहे दिल्ली बम्बई का कॉरिडोर हो, चाहे इलाहाबाद का कॉरिडोर हो, चाहे चंबल एक्सप्रेस वे हो। मैंने पिछली बार दिल्ली के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेक्रेटरी सबसे चर्चा की। मैंने कहा और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, उन सारी संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाए और किस रोड कनेक्टिविटी को अपन जोड़ सकते हैं। तो बहुत मेजर बात नहीं आई ध्यान में, एक मेजर बात आई कोटा से रावल भाटा नीमच, ये कनेक्टिविटी हो जाए। एक दिल्ली बम्बई से जो भी कनेक्टिविटी जुड़ने वाली है भविष्य में वो फोर लाइन कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि दिल्ली बम्बई से आने वाली कनेक्टिविटी भी इतनी सरल हो कि लोगों को पहुंचने में आसानी हो जाए। चंबल एक्सप्रेसवे बनने से हम एक नए सेक्टर को डेवलप करने का प्लान करेंगे। कोटा से सवाई माधोपुर, इसको भी फोर लाइन करने का प्लान था, लेकिन कई समस्याएं रहती है, समय क्यों है, क्योंकि डॉक्टर लोग टेलीफोन पे इंतजार कर रहे हैं बार बार। लेकिन किसी दिन आपको बताऊंगा कि रिटकोर ने ये रोड बनाया कोटा से सवाई माधोपुर। अब रिटकोर जब तक इस रोड को सरेंडर न करे, जब तक एनएचआई डिक्लेयर नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रोड बनाती है जो एनएचआई के रोड होते हैं। स्टेट हाईवे रोड बनाती राज्य सरकार है। वो समय भी आ जाएगा जब एक साथ मिलकर काम होगा, उसका भी समय जल्दी आएगा। लेकिन जो कनेक्टिविटी है आने वाले समय में, मेरा प्रयास है कि बेहतर कनेक्टिविटी जो संभावनाएं हो सकती है उनको रोड कनेक्टिविटी की बेहतर कनेक्टिविटी करें। रेल कनेक्टिविटी हमारी बेहतर है, लेकिन माल गोडाउन मैकेनाइज हो, अच्छे माल गोडाउन हो, और उसके साथ फ्लैट कॉरिडोर अलग से बने, उसकी भी काम चल रहा है। दोनों स्टेशनों का भी 300 करोड़ का काम चल रहा है। मुझे लगता है एक डेढ़ साल के अंदर दोनों स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। और उसके बाद लोग मांग करते हैं एयर कनेक्टिविटी की, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। एयर कनेक्टिविटी में एक प्रयास किए, बहुत कठिन था, 900 एकड़ फॉरेस्ट की जमीन को कन्वर्ट कराना। राज्य सरकार ने तो ये सोच के दी थी कि जमीन कन्वर्ट होगी नहीं तो एयरपोर्ट भी नहीं बनेगा, और उनको पता नहीं वहां हम बैठे हैं क्या। तो हमने उस एक पेश को निपटाया कि 900 एकड़ जमीन को जो फॉरेस्ट की थी उस फॉरेस्ट को क्लियरेंस कर दिया। अब कुछ पैसा फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद राज्य सरकार को देना पड़ता है, कुछ उसमें जो हाई टेंशन लाइन चल रही थी उसका पैसा देना पड़ता है। बीच बीच में मुख्यमंत्री जी और कुछ मंत्री कहते रहते हैं बिरला जी एयरपोर्ट लाओ एयरपोर्ट लाओ, मेरा कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। लेकिन मैंने कहा जब आप पैसा जमा करा देंगे पूरा, इसमें क्या संसाधन होते हैं कि एयरपोर्ट की जमीन देने का काम करता राज्य सरकार। कोई भी जमीन होती है उसका मालिक होता राज्य। आईएल इंडस्ट्रीज बंद हुई। मैं प्रधानमंत्री से मिला आईएल इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा देखो भाई ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो मैंने कहा इसकी जमीन, उन्होंने कहा जमीन जिसने जमीन दी थी उसको लौटा दी। तो जमीन आईएल की लौटाई नहीं लौटाई, पूरी राज्य सरकार को जमीन दे दी।
तो जो जमीन का मालिक होता है वो हमेशा राज्य सरकार होती है। तो मैंने कहा जब एयरपोर्ट को जमीन हैंडओवर राज्य सरकार कर देगी या पूरी जमीन का पैसा जमा कराकर उनके खाते में दर्ज जाएगी, तब उसके साथ साथ मैंने कहा काम डिले ना हो इसलिए उसकी मिट्टी का टेस्ट, उसकी पर्यावरण का टेस्ट, उसका अन टेस्ट, डीपीआर बनना, ये सब सेमेंटेनिस्टी चला रखे एक साथ। नहीं तो जनरली काम क्या होता है कि हैंडओवर के बाद ये सारे काम होते हैं, लेकिन मैंने कहा डिले ना हो तो कोशिश है कि इस वर्ष ही हम एयरपोर्ट के काम को भी शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब संसाधनों के बाद इंडस्ट्री नहीं आ रही। आप देखो भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल है, न तो पानी है, न कोई बिजली है, न रोड कनेक्टिविटी, न एयर कनेक्टिविटी है, कोई कोई जगह की कोई चीजें निश्चित नहीं होती। लेकिन वहां एक हब बन गया, अब कोई तर्क करे कि भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल हब क्यों बन गया तो कोई तर्क नहीं। हमारे पास बहुत संभावना है। किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा कोई आवश्यकता होती तो पानी की होती है, और फिर रोड कनेक्टिविटी की, रेल कनेक्टिविटी की। एयर कनेक्टिविटी तो कुछ लोगों के आने जाने के लिए होती है, लेकिन जो माल जाता है वो एयर कनेक्टिविटी से जाता है, रोड कनेक्टिविटी से जाता है या रेल से जाता है। अब मैं जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर को लेखों को लेके आता हूं, कुछ तो मैंने कई बार राज्य सरकार के लोगों कहा कि आप जो गोविंद राम जी ने कहा सही कहा, क्यों परेशान करते हो कन्वर्जन करने में। कोई इंडस्ट्री लगाने वाला आया है, राज्य सरकार को उसकी तरफ दौड़ना चाहिए कि मेरे पास आया तो मैं उसकी कन्वर्जन करा के तुरंत दूं, उसकी चप्पल ना घिस जाए जब तक तो उसकी रेट लैंड कन्वर्ट नहीं होता। सबसे बड़ा कठिन काम होता है आदमी को लैंड कन्वर्ट का। फिर आ जाता पोल्यूशन का, मतलब आखिर आप इंडस्ट्रीज को, मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि इंडस्ट्री लाने के लिए हम विंडो सिस्टम कितना भी बना दें, ये जो और सिस्टम है ना विंडो के, उनको बंद करो। वन सिस्टम नहीं, और सिस्टमों को बंद करो। और सिस्टम बंद कर दोगे तो अपना आप इंडस्ट्री लग जाएगी। तो कोशिश है, आप निश्चित हो इंडस्ट्रीज भी जितना प्रयास होता है कर रहे हैं, बेहतर परिणाम आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, आएंगे जरूर, आप निश्चित रहो। कोई हमारी तरफ से कमी नहीं, फिर भी आपके पास प्रयास हो, आपके जो संपर्क हो उस संपर्कों का आप भी उपयोग करें। जो कोई इंडस्ट्री वाला लेने आता है तो बताएं, उसकी जो मदद होती है मदद करेंगे, उसकी फाइनेंस दिलाना है, लोन दिलाना है। और इसीलिए समय समय पर एक्सपो लगाने से क्या होता है कि नए चांस लगते हैं, नई संभावनाएं बनती है। इसलिए इंडस्ट्रीज एक्सपो लगाया, आर्मी का लगाया, आने समय में स्टार्टअप का लगाएंगे, ताकि उससे कुछ संभावनाएं बनती है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को भी नई प्रेरणा मिलती है, काम करने की नई दिशा मिलती है। हमारी कोशिश है कि इस कोटा को भी एक इंडस्ट्रीज का एक हब बना दें, ताकि रोजगार के नए साधन यहाँ पर सृजन हो सके और लोगों को व्यापार मिल सके, नए पदाधिकारी आए, नए प्रयास करेंगे। हमें जब कभी आवश्यकता होगी तो बताएंगे कि ये इंडस्ट्री जाना चाहती है, ये संभावना है यहाँ पर, हम जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलनी है वो फैसिलिटी उसको दिलाएंगे, जो आवश्यकता होगी मदद करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री जाए ये हमारा प्रयास है। अब नए तरीके का बदलाव दुनिया के अंदर हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों का काम मैन पावर की जगह आईटी सेक्टर का बड़ा सिस्टम हो गया है। तो मैंने पिछली बार जब वित्त मंत्री जी आए थी तब मैंने उनको आग्रह किया कि आईटी का यहाँ पर एक नया सेक्टर डेवलप करो, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर ट्रिपल आईआईटी भी कोटा में शुरू हो जाएगी। यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का बच्चे को नया, जो यहाँ पर पढ़ने आता है, कोचिंग करना आता है, उसको नया स्कोप मिलेगा। कुछ एजुकेशन के बड़े हब बने, ताकि अब नया जो दौर है वो अब डिजिटल, कंप्यूटराइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ये दौर है, दुनिया इस दौर की ओर है। तो मुझे लगता है
कि एयरपोर्ट आने के साथ इस संभावनाओं को बढ़ेगी और हम आईटी का बड़ा सेक्टर यहाँ बना सकें, इसके लिए हमारा प्रयास है। मैं तो जेटली साहब बैठे हैं, इनसे भी कहा मैंने, कहा इंडस्ट्री लाओ, श्री राम के अजय श्री राम जी मिलने आए थे उनसे भी कहा मैंने, कहा वो भी ला रहे हैं। घड़ियाल सेंचुरी का विषय था जो मैंने पिछली बार मीटिंग बुलाई थी और राज्य सरकार ने मुझे कहा है प्रस्ताव भेजते ही मैं विद इन 15-20 दिन में उसको डेवलप कर लेंगे। भामाशाह मंडी की जमीन को भी, जो फॉरेस्ट की जमीन थी उसका भी कन्वर्ट का काम चल रहा है, वो भी जल्दी हो जाएगी, तो एक हम एग्रो हब भी डेवलप कर पाएंगे। अब बूंदी आप देखो, बूंदी के अंदर कितनी एग्रो इंडस्ट्री लग रही है, एथेनॉल का प्लांट लग रहा है, नए नए राइस प्लांट, ऑयल का प्लांट लग रहा है, सरसों का लग रहा है, तिलन के लग रहे हैं, तो ऐसे कई चीजें हैं। आप सब मिलकर प्रयास करें, जितने भी अपने संपर्क हैं उन संपर्कों को डेवलप करें और हम आने वाले समय में जो प्लान है वो कुछ क्लस्टर का प्लान भी करेंगे, लेकिन क्लस्टर के प्लान के लिए मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने कहा क्लस्टर लाओ तैयार हैं, पर क्लस्टर बनाने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर क्या है कि सारा इंडस्ट्री सेक्टर भी हॉस्टल की तरफ डेवलप हो गया आसानी तरीके से ना, अब उसको नए एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने की आवश्यकता है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक नया सेक्टर यहाँ पर डेवलप हो ताकि कोटा की जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी का लाभ आने वाले समय में मिले। नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।